तो सबसे पहले इसका जो ब्रश है वो थोड़ा सा छोटा, इतना ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटा करेंगे तो फिर वो दिखना बंद हो जाएगा। इतना करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, अगर जमा तो ठीक, नहीं तो। ब्रश ही लेंगे, ठीक है, ट्राई करते हैं। थोड़ा सा लाइट है, मतलब हल्का सा इसको बड़ा रखें अपन, ब्रश का साइज ये इतना बड़ा ही ठीक है। तो मतलब ब्रश के साइज पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, ब्रश के साइज छोटी रखेंगे तो वो रिजल्ट नहीं दे रहा, अब दे रहा है वो रिजल्ट। तो यहाँ अपन जैसे इसको स्मूथ करते, तो अब आपको सबसे पहले आपने ऐसा पेन टूल लेके एक उसको स्ट्रोक बनाया, स्ट्रोक बना और दिया, उसमें स्ट्रोक बना के जो है मैंने ब्लैक कलर दे दिया। जी इसका जी जी ना वो पेन जो जी होता ये है यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रोक आ गया, कि ब्रश को सिलेक्ट करा और साइज बढ़ा दी, उसकी ब्रश को सिलेक्ट किया और साइज बढ़ा दी। हाँ सर उसकी साइज बढ़ने से ऑटोमेटिक उसकी विड्थ भी बढ़ गई। यस, ब्रश के साइज पे विड्थ डिपेंड करती है ना। तो ये जो आपका सवाल था ना सर कि मैं इसका वो कैसे बनाऊंगा स्केच, जी सर, तो यही तरीका है। आप पेंसिल वाला स्ट्रोक भी यूज कर सकते हो, चॉइस है आपकी। ऑफिस से थोड़ा डाउन कर लो ताकि आपको दिखे कि आप तो कर क्या रहे हैं। अरे सर उसका एक तरीका तो है, पर वो तरीका मुझे उतना ठीक नहीं लगता। प्रॉब्लम क्या है इसमें, सिलेक्शन को ही हटा देना चाहता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ जो हुई है। एक काम करते हैं, ये लेयर को हम करते हैं फिलहाल डिलीट और एक नई लेयर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो कई बार सिलेक्शन सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगेन जो स्ट्रोक लेयर में है अटकी हो शेप रहा है, फील का ऑप्शन है। में है ना, वो तो बंद है, फील स्ट्रोक चालू है, वो ओके। तो पाथ शेप में आ गया था, उसको वापस है ना पाथ कर दिया हमने,
सर आपने जो तरीका बताया हमें, उससे पहले आई को कट कर लो, फिर उसको फिर अलग रख के पहले उसको कट नहीं, अच्छा। कट नहीं, आज जो बता रहा हूँ वो नहीं आपने बोला था ना जैसे आई को आपको पूरा करना है पेंट, तो पहले उसको कट करूंगा अलग से, फिर उसको पूरा पेंट करूंगा। वो सब करना था है ना। अब आज जो बता रहा हूं अब ये करना है। बेस्ट तरीका होगा सर, ये जो जिस दिन हो जाए वो उस दिन का बेस्ट। ओके तो ये दो सिलेक्शन हो गए। अब इसके हिसाब से अब थोड़ा सा इनको ढाल तो कर रहे। अफसोस हो जाता है कि क्यों दबाया है। ये माउस में होता है ऐसा, विदाउट माउस माउस से नहीं होता है, मुझे देखा सकता है। विदाउट माउस में ऑप्शन ही क्या है फिर, स्क्रॉल का ऑप्शन तो है। ऐसे वो ऐसे ऊपर से कर देता हूँ। स्क्रॉल थोड़ी कहलाता है, वो तो बस जूम इन कहलाता है। स्क्रॉलिंग एक अलग चीज़ है। ऐसे 2 मिनट से होता है। हाँ तो स्क्रॉलिंग नहीं है ना, वो स्क्रॉल का मतलब एक अलग चीज हो गई। स्क्रॉल अब जैसे आपको कोई पेज ऊपर से नीचे तो आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे ना, तो फिर वो स्क्रॉल तो आपको वो करके देता है ना। अच्छा डिजिटल पेंटिंग का मैं आपको रूपरेखा समझा रहा हूँ भाई साहब, आप रूपरेखा समझिए। उसके लिए काहे के लिए अपन सिर्फ अभी क्या बना रहे हैं, शेड्स।
घड़ी भी देख लोगे तब भी छोड़ूंगा, तभी जब मेरी मर्जी। नहीं ऐसा हो तो भी मैं तभी छोड़ूंगा इतने में ही। अरे यार कॉर्पोरेट में काम कैसे करे तू, वहां तो 10-10 घंटे से हिलते भी नहीं हम लोग। अभी तेरे को देख रहा, तू तो बेटा ही है ना, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं गर्दन हिली क्या, फिर ऐसे कैसे काम करेगा। थोड़ा मजबूत बनो यार, दूध दूध नहीं पीते हो क्या। अरे बस तो कहाँ जा रहा है फिर वो। अरे इतना भी नकली नहीं मिला अभी तक यार। अरे सब प्योर ही प्योर है, मानो तो प्योर है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। तो आप ये एक स्केच तैयार कर रहे हैं इसका, आपको क्या तैयार कर रहा। लग रहा है स्केच बताऊंगा हाँ उसको, है स्केच ना तैयार सर? कर तो रहा वो एक मॉडल तैयार करो जिसका अपन पेंट करेंगे, जी। हाँ है। अरे यार चल अच्छा आज ही आ गया, घर जाके आता तो क्या दिक्कत हो जाती। सही है, फिर इस पर कौन सा आता है? ये एक्टिव स्कूल कौन सा है? तो एक्टिव इंग्लिश स्कूल सीमन मतलब कहाँ है सर? एक मैं नाम नहीं सुना, जी मंडी। नाम बहुत सारी चीजों के नहीं सुने होंगे तुमने। एक्टिव स्कूल। हाँ सर, नहीं मैंने नहीं सुना था यार। हाँ कोई बात नहीं, सीमन मंडी लोटी वगैरह सुना है वो फेमस है? भारतीय अनपिट में भी पढ़ाऊँ ना उसके, ये 8th तक का स्कूल था। सर नेट पे बने बनाए नहीं मिलते क्या ऐसे? मिलते भी होंगे तो नहीं बताऊं, सीखोगे क्या फिर। सर डाटा इसकी बात तो चल रहा है कि नेट से क्या उतारते हो, वो चीज़ भी बनाओ खुद, फिर क्या सीख रहे हो? वही बोलते हैं हमको कॉपी सीधी सी बात है, सीधी पेस्ट करना है, ऐसे थोड़ा कैसे दे बात है। मैं तो एक एक चाचा के चीज साथ हूँ। तो एक एक चीज बनाओ अपने हाथ से, कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए मेरे को। सही बात है। अब आज चाचा को खुश करना, ये बनाना। तो भेजता हूँ उनको, तो पहले बनाता हूँ। पापा क्या पापा देखते नहीं है? थोड़ा बिजी रहते हैं, चाचा को देखते हैं, चाचा बताते हैं ये कमी है इसमें, ये कमी है। अरे यार स्क्रॉल की आदत है ना मेरे को। हाँ और वैसे भी मैंने आपने ऐसे 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 स्टॉप करा सबको उल्टी सुन हो गई,
नहीं इतने समय? सर, मैंने वो बहुत बारीक करके एक एक बाल को ऐसा करा, तो बहुत टाइम लग गया सर, तो उंगली ऐसे 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 चल रही थी सर, तो उंगली दर्द कर रही जब पैसा मिलना शुरू हो जाएगा ना, तब दर्द बंद हो जाएगा। ऐसा। इसने यही फोटो ले लिया आपका दूसरा फोटो नहीं देखा। अब सबको यही बनाना है, उसका चतरापन अपन दूसरे यूज में यूज करेंगे। अरे इसने बनाया था, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या फिल्टर अप्लाई करा था उसने? और क्या, डिजिटल कोई डिजिटल पेंटिंग नहीं है। तो बोला फिर हमको बच्चों को उल्लू बना था। के फोटो एडिट करके डाला गया और वो तेरी बाइक वाला भी डिजिटल पेंटिंग थोड़ी हो? वो तो क्या यूट्यूब पे देखता हो रहा। हाँ तो क्या, वो यूट्यूब वाले ने भी नहीं बनी? हाँ मतलब जो है वो है, और क्या। सर होली का कलर फेंक दिया और तो बहुत पेंटिंग का, हाँ ऐसी लग रही है। तो डिजिटल पेंटिंग में मल्टीपल कलर भी डाल सकते क्या सर, बालों वगैरह में? ठीक डाल सकते हैं, पर पहली शर्त जो है ना है, वो क्या है, डिजिटल लुक लाओ पहले पहले तो वो सेम टू सेम दिखना जरूरी है। सर। आप तो बहुत अच्छा लगा सर, बना वो सब आपने कैसे बनाया था सर बे वाला? बिल्कुल ऐसे ही बनाया था जैसे बना रहा हूँ ऐसे सेम। अच्छा जी। इसका भी कुछ कॉम्पिटिशन आता है? हाँ बहुत बड़े बड़े कोई बड़ा नहीं, सिर्फ आउटलाइन से ज्यादा कुछ भी नहीं, उसकी जरूरत ही कितनी पड़ने वाली अपने को। हटा दे के बाद आउटलाइन हटा दे के बाद हाँ ये तो, अरे काम हो जाएगा उसका, हटता नहीं है वो तो। इसलिए सर आप एक ही लेयर पे बना रहे हो बाद में इजी पड़ेगा। सर हमने वो देखा था क्या बोलते हैं की वगैरह, तो सर एक ही मतलब की के और भी यूजेस थे अलग अलग। क्या की एक चार्ट वगैरह देखा था सर, तो ये मतलब अपन शॉर्ट तक की यूज करते ना, तो मुझे कि एक ही की से शिफ्ट पे दबाए नंबर और भी मतलब मिल जा रहे हैं बहुत सारे। आते हैं ना,
ना डॉज यूज होगा ना बर्न यूज होगा, ओनली ब्रश। ओनली ब्रश। समझ गए। तो जो आप बता रहे थे वो क्या बोलते हैं उसको, जी उसमें सर कुछ बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं, तो आप कि अगर एक डिजाइन बना रहे हो ऑटोमेटिक कॉपी कर सकते हैं, उधर बना रहे हो एक डिजाइन बने उसकी उधर फ्लिप करके ऑटोमेटिक इधर इसमें बना हो रहे हो, जाता हो तो उसमें कुछ और अलग से फीचर नहीं होता, बस वो ये माउस चलाने की तुलना में थोड़ा इधर और इधर डिजाइन कर रहे हैं इस साइड भी बनते जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे वीडियो में देखा ये वो तो इसमें भी हो जाता है, इसकी ऐसे कैसे फ्लिप कॉपी ले सकते हैं अपन। छोड़ना नहीं है फिर ब्लैक करके लाना है, छोड़ना नहीं माउस तो बंद रखना है, फोटोशॉप के लोगों का तो बंद कर खोला तो मैगजीन का था जस्ट मैगजीन के ऊपर छोड़ रहे ना इतना आगे फोटोशॉप करते ऐसे भी ना तो मैगजीन के ऊपर माउस तो नहीं, उस मैगजीन के ऊपर माउस मैगजीन के ऊपर आ जाएगी फिर हाँ ऊपर छोड़ दो, तो यदि फोटोशॉप में लाके साइड वाइड में छोड़ दो तो ऊपर या इधर उधर तो नहीं है नया उसको खुलने के लिए नहीं नहीं डॉक्यूमेंट बन जाता है नया के बाद तो खुलेगा ऐसा रहता है, तो उसके ऊपर जाके होगा ऐसे फिर वो ऐसे करने भी वो उसमें टी आ जाएगा तो ना छोटा हो जाएगा छोटा हो जाएगा ऐसे आ जाएगा उसके ऊपर करने में करने बताया वो बताया तो ऐसे उठा के लाए और एक फोटो का ऊपर ला के रखो डेस्कटॉप पे चलाए तो नीचे वो लोगो दिख रहा है उस पे लेकर गए तो ये फोटोशॉप खुल गया तो नहीं वो खुलेगा ना जैसे वो लोगो पे जाओगे तो फोटोशॉप खुलेगा खुलेगा तो खुल रहा था फिर ऊपर लेकर आओ आप फोटो तो दे तो लाइट ऊपर में बैठे रह गया करना फोटोशॉप खुलेगा लोगो पे लेकर आओगे तो खुलेगा खुल रहा है ना फिर फोटोशॉप के ऊपर एडिट पर आकर आप पहले कोई नोट नहीं आएगा नहीं नहीं पहले नहीं छोड़ना फोटो तो खुलने दो पहले जब लोगो पे लाओगे अंदर ले जाकर फिर सर उसके अलावा कुछ होता है क्या बस वो सबसे बढ़िया तरीका। पहले एक बार चला चला था इसको पूरा बोला था एक बार था
ध्यान से देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, जी सर घर जाके परेशान हो जाओगे। अच्छा सब कुछ वीडियो से नहीं होता बेटा, या तो ऐसा है क्या कि वीडियो बनता है इसलिए ध्यान नहीं देते, तो चलो वीडियो बनाना बन जाए। सर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम आती तो हम हाँ सर को खोल के देखते हैं। आ रहा हूँ 5 मिनट। तो कुछ बारीक है तो क्या हो गया? तो उसके लिए स्टॉक छोटा है। अरे सब ठीक, तुम बहुत डर रहे हो यार। मैं नहीं डर रहा, तुम डर रहे। तो एक्सपीरियंस बनता कैसे बेटा? बस कल तो ये तुम्हारा कैरेक्टर है जिसका स्केच हमने तैयार कर लिया है, ठीक है? जी सर। और अब पेंट करना बस इसको देख देख के अब तुमको इसमें पीछे बैकग्राउंड भी ले सकते हैं क्या? इसको ऊपर भी ये थोड़ी सी डार्क लाइंस हमने इसमें डाल दी हैं। कलर आ रहा है पीछे जी, क्या हुआ? शायद कोई दूसरी लेयर या अमन इंडिया के लेयर सर। तो ये लड़की जैसे मैंने बोला कि इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो, है ना? इसको बोलते हैं स्ट्रोक तैयार करना, है ना? और एक बार स्ट्रोक तैयार हो जाए, इसको हाँ स्ट्रोक बोल लो, या इसको आप ये भी बोल सकते हो अपना स्केच, स्केच रेडी करना। अब लगेगा ना, बस अब तो आपके पास टुकड़े हैं, अब इन टुकड़ों का ध्यान रखते रखते आप जो है बाकी की चीजें बना। वही तरीका जो उस दिन सिखाया, सबसे पहले एक कलर डाल दो पूरे में। सबसे पहले सिलेक्शन में एक कलर, एक कलर को ऐसा भी लीजिए भर दीजिए, है ना? ये काट मतलब छोटा बड़ा करके अच्छे से, मैं शेडिंग बता देता हूँ क्योंकि वो फिर मतलब नहीं है। हाँ सर ये भर दिया। जी सर। अब जैसे सर अल्टर दबाना है ना? जी ये गया। अब एक मस्त चीज़ है सिर्फ फैलाना, ये इससे क्या होगा, फैला लोगे जो शेड जैसे फैलाते हैं ना, फैलाना। वो रंगोली वाला एग्जांपल क्या था सर? हम्म,
ये देखो, नीचे वाली लेयर बंद कर दो तो कंफ्यूजन हो तो ऐसा। सर वो एक और नेम चालू कर लो उस पे, हाँ कलर की चालू कर लेते हैं फिर ये नीचे। ये सर इसमें बिल्कुल वैसा आ जाए, बिल्कुल सर हमसे एक्टिव लगी। तो अब प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना भाई। अरे इस कोई मुश्किल नहीं है रे। पहले तो वही हो गया पूरा ओरिजिनल पेंट। क्या ओरिजिनल पेंट? असली में सर ऐसे ही करते हैं ना, एक के ऊपर एक पेंट वाली ट्रिक ट्रिक आ गई ना। तो और क्या, डिजिटल पेंटिंग ही है बस, असली ब्रश की जगह डिजिटल ब्रश और नहीं है कुछ। असली ब्रश की जगह डिजिटल ब्रश, इरेजर टूल लो मस्त फेदर वाला, ओपेसिटी 30, फ्लो भी 30, पढ़ाओ। अरे यही है खेलने की चीजें और क्या। ये लो हो गया मर्ज। देखो ना आ गया ना, मिक्स हो गया उससे, ब्लेंड हो गया। फिर लगे थोड़ा सा हाईलाइट और देना है, इसकी जगह पर मोदी यूज कर सकते हैं क्या? और हाईलाइट कर लो। वो क्या बोलता, हाँ उसकी ओपेसिटी डायरेक्ट कम नहीं कर सकते ना, इरेज कर सकते। ये आ गया शेड, आ गया ना, बस डार्कन वार्कन देख लेना, लगे एक लेयर और चढ़ाओ एक दो। और अगर बीच में पैचेस आ गए तो क्या? पैचेस आ गए ज्यादा कम हो गया, फिर से सुधार, और लेयर लो, और डालो, और डालो कलर डालो। क्या करते हो, दीवार पे पोतते हो, छूट जाता तो क्या करते हो, वहां कंट्रोल जेड होता है क्या? तो क्या करते हो, बस सेम डिजिटल पेंटिंग करना अगर सीखना चाहते हो तो सेम फंडा है। मल्टीपल्स यू नो कलर शेड यूज करो, शेड चार्ट यूज करो और बस दो बत्ती, क्योंकि नहीं तो फिर जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे डिजिटल पेंटिंग। डिजिटल पेंटिंग सीखना चाहते हो तो यही एक ट्रिक्स है। ये देखो अब ये मैं मिक्स करूँ इसको, ये देखो अरे काय का स्मच, इरेज ही कर देंगे अपन तो। मैंने आपको पहले दिन भी एक ही बात बोली थी, आज फिर बोल रहा हूँ, बस इसको टाइम ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि इट इज अ हार्ड काइंड ऑफ वर्क। माउस की औकात होनी चाहिए 5-10 हजार स्ट्रोक एक बार में लेने की, और आपकी मशीन की औकात, बस ये हो गया। तो समझे क्या? और अभी अपन कितना बनाए, इतना।
ऐसा वो ऐसा ब्लेंड हो जाएगा। फिर और इसके पास और कलर भरूंगा, उसको ब्लेंड करूंगा, ब्लेंड करूंगा, ब्लेंड करूंगा, ब्लेंड करूंगा, लगातार ब्लेंड करते 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 करते। तो फिर शेड देख रहे हो ना, शेड कैसे बना, ऐसे बना। प्रॉब्लम ये है, बना अपन पूरी पेंटिंग। सर सर ये आ गया सर, सर वो आईज वाला भी बता दो सर। हाँ सर, क्योंकि आईज बहुत टफ रहती है सर, एक आईज और एक बाल सर, ये बहुत टाइम टाइम तो लगेगा, टाइम का कोई इलाज नहीं है, सर ठीक ये कोई ट्रिक नहीं, बस ट्रिक बता दो सर। हाँ काम करना बता सकता हूँ बस, ट्रिक बता दो, आईज और बाल वाला। ट्रिक कोई भी नहीं है, वही ट्रिक है सदाबहार ट्रिक। कलर लेना है सर, उसमें तीन कलर है सर। बेटा हम तो वाइट ही करना पड़ेगा। सर आंखों को ये स्केच के नीचे रखना है और स्किन के ऊपर। ऐसा कुछ रूल नहीं है रे, काम करते करते वो तो क्या है कि आ जाता है समझ में कि किसको कहाँ रखना है, यूं अपने आप ऐसा कुछ समझता समझ में आता है वो तो। जैसे हर चीज में मैं तो चेंजेस कर रहा हूँ, मेरे को जो लग रहा है वैसा कर रहा हूँ, ऐसा कोई रूल बना के काम नहीं कर सकते आप डिजिटल पेंटिंग करने बैठे हो तो। ठीक नॉइस थोड़ा सा आग एकदम एक कलर में से फक थोड़ी हो सकती, थोड़ा सा नॉइस होना चाहिए ना उसमें दानेदार, तो ये आग बन गई। है, मतलब क्या डॉट 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 आ जाएंगे बारीक। हाँ ऐसे डॉट 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 दिख रहा है। अब वो आसपास हेयर डाल देंगे, वो डाल देंगे, दो तीन चीज डाल देंगे, ये और काम हो जाएगा।
इसमें हल्के से वो डाल दो रिंकल्स। आंखों के अंदर तक। अरे यार इसका अच्छा प्रॉब्लम है, पकड़ लूंगा। अरे नहीं पकड़ा वो देवता। अब क्या करोगे? ब्रश अपन ने बनाए थे ना लास्ट क्लास में, होंगे ये रहा सर। बहुत बड़ा है या बहुत छोटा? बड़ा है। बस हो गया। अब वो पीछे जो व्हाइट वाला पार्ट है उसका वो भर दो। सब वो भी नहीं ले यार। अच्छा कुछ नया लेयर में होता है भैया। जो लेयर नहीं बनाएगा वो वाला मारा जाएगा। फिर वो सिलेक्ट करके फिर कर सकते हैं सिलेक्शन पे। वो चमक लाइट आ रही है। ये ओरिजिनल है, ये अपनी बनाई हुई है। तो इस तरीके से ये आईज बनती है। सेम जिस हेयर तो लास्ट क्लास में बता ही था मैंने। और क्या, वो तो भैया और कोई इलाज नहीं है उसका। ये तो लास्ट क्लास में बताया था ना हेयर, तो मैंने वो ब्रश बनाना ही सिखाया था इसके लिए। तो खास तौर पर भूल गए क्या फिर? हाँ मतलब भूल गए। हाँ उससे बिल्कुल बनने का उसी से ही बनेगा, नहीं तो एक एक स्ट्रोक कब तक मारोगे बताओ इसमें? कौन सा शेड? शेड का ही वो बताया था ना, ग्रेडियंट वाला ब्रश लेना है। अरे मिक्सर ब्रश नहीं यार, क्या पढ़ते वढ़ते हो नहीं क्या घर कलर जाके? तो ग्रेडियंट पे सिलेक्ट कर लेना सर। फिर क्या सब सिखाया है तुमको? अरे अच्छा उसमें दो ही कलर आ रहे हैं, यार उसमें 20 कलर जो ला दिए तो क्या कर लोगे अब आप? 100 कलर ला दिए तो क्या कर लोगे समझो?
दो ही कर कुछ नहीं रहे अपन, है ना, दो ही कलर आ रहे हैं, एक ही कलर आ रहे हैं। पूछ क्या मिक्स ब्रगोरी स्मज टूल में क्या फर्क है? मिक्स ब्रश और स्मज टूल में क्या फर्क है? स्मज अपन अपने कलर, अपने बनाए हुए कलर, अपने पोते हुए कलर वो आप लेके जा सकोगे। मिक्सर ब्रश तो सिर्फ इमेज पे या जो ऑलरेडी उस पर कलर्ड कंटेंट है उस पर काम करता है। सर वहाँ पे वो काम नहीं करता है, खाली जगह पे काम नहीं करता, अपने कलर खाली जगह पे काम नहीं करता, मतलब जैसे कुछ तो चाहिए उसको फैलाने के लिए, ये आसपास के कलर लेके मिक्सअप मारता, मिक्स करता है और वो आपके कलर को फैलाता है, फर्क है दोनों अच्छा। में। ये तो वही, मैं कुछ और देख रहा था। अच्छा वो जब भी मैं सोचूं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं है, पूरा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा आप क्या करना चाहते हो इस ब्रश में? ग्रेडियंट भरना चाहते हो? ग्रेडियंट भरा जाएगा। यहाँ पर तो कलर डायनामिक हाँ कलर डायनामिक ही यूज करो, दो कलर डाल दो इसमें फिलहाल। एक तो ये जिसमें ये दो दो शेड मिलेंगे, ठीक है, तो करो ये लिटरली, तो यहाँ पर यूज सिचुएशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसकी क्या जरूरत, सिचुएशन भी देना पड़ेगा। इसको लाइट और डार्क, है ना। आप अपन अगर ऐसा चाह रहे हैं कि अपने को एक सेकेंड ठीक है, तो यहाँ आप जो जो चाहेंगे जितने पहला ये, ठीक है,
दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। यहाँ देखो ये पूरे पैटर्न देखो कितना ना, ये जैसा ये दिख रहा है ना, सेम टू सेम ऐसे हो गया। अब बीच में वाला जैसे, अब वो एक्चुअली एक जैसा कलर टोन है तो आपको उतना समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं कुछ ये ऐसा टोन चेंज करूँगा तो समझ में आएगा कि अच्छा ये फर्क पड़ रहा है। तो जितने डालना हो, जितने क्लिक करते जाओगे उतने आते चले जाएंगे। तो सिंपल और तुम लोग तो खैर मेहनत करते ही नहीं हो, तुम लोग मेहनत नहीं करते। क्या नहीं करते? मेहनत नहीं करते। मेहनत करो अगर तो इतने तरीके हैं। तो ये देख, ये जितने बाल दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं, ये सब है ना ब्रश है। ये दिख रहे हैं, ये ब्रश है, बाल ही बाल के। डाउनलोड कर लो ब्रश और इसमें इंस्टॉल कर लो। कैसे होता है जैसे अपन ने कर रहे थे क्या? नहीं रे, ये तो अपन ने बनाया। इसको स्टॉप कर देते हैं पहले।